मध्य प्रदेश के रीवा लोकायुक्त टीम ने सिंगरौली के माड़ा एसडीएम कार्यालय रीडर के यहाँ छापामार कार्यवाही की, जिसमें अधिकारी के रीडर को 5,000 रुपयों को रिश्वत लेते टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सिंगरौली के माड़ा एसडीएम का रीडर एक शख्स से जमीन कर नामांतरण संबंधित कार्य करने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। फरियादी रामलाल पनिका की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भ्रष्ट रिश्वतखोर एसडीएम रीडर विद्याधर द्विवेदी ने फरियादी से धारा 170 खा के नामांतरण के एवज में 5,000 रुपये मांगे थे, जिसमें वह रंगे हाथों धरा गया। रिश्वत लेते रंगे हाथ धराने के बाद लोकायुक्त टीम को देखते ही रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह सफाई देने लगा। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। पूर्व में मोरवा निरीक्षक रहे लोकायुक्त निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर द्वारा की गई कार्यवाही के बाद क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है कि आरोपी लंबे समय से रिश्वतखोरी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आरोपी को क्या सजा मिलती है या फिर राजनीति के रंग से सब साफ हो जाएगा। सिंगरौली से DNU के लिए अनिल दुबे की रिपोर्ट।